हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू छोटे में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ग्रैंड विटारा के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता दूं कि गाइस आपने ये गाड़ी का जो नाम है विटारा, ये आपने पहले सुना होगा विटारा ब्रेजा में जो पुराने टाइम में आती थी, लेकिन आज बंद हो चुकी है। आज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ब्रेजा के, तो ये नाम दोनों नाम जो है वो अलग हो चुका है, विटारा अलग हो चुका है, ब्रेजा अलग हो चुका है। ब्रेजा पे मैंने वीडियो बना चुका है पिछले एक दो वीडियो पहले, आपने अगर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे विटारा, और इसके आगे एक और नाम लगा दिया गया है, वो है ग्रैंड विटारा के नाम से गाड़ी आती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस ये जो गाड़ी है लॉन्च हुआ था 2022 में, मतलब इसी साल लॉन्च हुआ है, और आज जो मार्केट में आप देखोगे ग्रैंड विटारा को, ये है इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल। अगर मैं आपको ये गाड़ी की बात करूँ फ्यूल किस में चलता है, तो गाइस इसमें कोई भी डीजल इंजन नहीं आता है, सिर्फ पेट्रोल में ये अवेलेबल है। प्राइस जो है वो एक्शोरूम स्टार्ट होता है 10,45,000 से एक्शोरूम, और इसका टॉप एंड वेरियंट का प्राइस जाता है अप टू एक्शोरूम 20 लाख रुपीज तक। अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो इसमें 6 वेरिएंट्स देखने को मिलता है। सबसे पहला है आप टेंशन मत लो, ये LXI VXI वाला सीन नहीं है, इस बार एकदम नई गाड़ी है तो नए नए वेरिएंट्स है इसमें। तो इसमें जो 6 वेरिएंट्स है उसका नाम मैं लेना चाहूंगा, जो सबसे पहला है वो है सिग्मा, उसके बाद है डेल्टा, उसके बाद है जेटा, उसके बाद है अल्फा, और फिफ्थ वाला है जेटा प्लस, और लास्ट वाला है सिक्स्थ वाला वो है अल्फा प्लस। अल्फा प्लस सबसे टॉप एंड वेरिएंट है इन 6ों में से। तो गाइस सबसे पहले जो है पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, इसमें आपको 2 इंजन देखने को मिलता है, एक है पेट्रोल जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक है माइल्ड हाइब्रिड। अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है इसमें मतलब बैटरी का पावर जो है इलेक्ट्रिक का पावर थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, और जो माइल्ड हाइब्रिड है उसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, पावर भी थोड़ा सा कम आपको उसमें उस गाड़ी में देखने को मिलता है। तो गाइस चलिए पेट्रोल इंजन की बात करें, तो गाइस इसमें जो टॉप एंड वेरिएंट है या फिर जो हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली गाड़ी है उसमें जो पेट्रोल इंजन लगा हुआ है वो लगा हुआ है एक 1.5 लीटर का, यानी कि 1500 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर टोयोटा M15D FXC डायनामिक फोर्स पेट्रोल इंजन, और इसमें लगा हुआ है इसके साथ जो है वो है 177.6 वोल्ट का एक लिथियम आयन बैटरी। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे बीच में टोयोटा का नाम आया, गाइस आपको पता होगा जो टोयोटा और मारुति सुजुकी का एक बॉन्डिंग हुआ है, एक डील हुआ है कि टोयोटा जो है वो मारुति सुजुकी को इंजन देगा और मारुति सुजुकी जो है बदले में उसको कार्स की डिजाइन देगी, तो इसीलिए ही आपको काफी हद तक ग्लैंजा और बलेनो इन दोनों का जो डिजाइन है वो मैच करता हुआ दिखता होगा, क्योंकि वो डिजाइन मारुति सुजुकी का है लेकिन जो टोयोटा है उसने बदले में मारुति सुजुकी को इंजन दिया है। तो ये इंजन जो है ये टोयोटा की तरफ से है, क्योंकि टोयोटा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन प्रोड्यूस करता है, फिर बनाता है उस लेवल का, तो फिर इसलिए जो है मारुति सुजुकी ने टोयोटा से ये इंजन लिया हुआ है। तो गाइस ये जो इंजन है ये पावर प्रोड्यूस करता है 114 हॉर्स पावर का, टॉर्क प्रोड्यूस करता है 141 न्यूटन मीटर्स का। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो कंपनी क्लेम करता है ये जो इंजन है ये एवरेज प्रोड्यूस करेगा 27 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगा। मारुति सुजुकी जानी ही जाती है माइलेज के लिए, तो माइलेज इसमें ज्यादा ही देखने को जो है कंपनी क्लेम करता है। आपको वही अगेन जो है ड्राइव कंडीशन पे डिपेंड करता है, आप कैसे गाड़ी चलाते हो, हाईवे पे या सिटी पे, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं एक और इंजन की बात करूं, जो इंजन नंबर 2 है वो है 1.5 लीटर का, अगेन 1500 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर, ये 4 सिलेंडर है और ये नॉर्मल जो मारुति सुजुकी का इंजन है वही है, 4 सिलेंडर डुअल जेट डुअल वीवीटी सुजुकी K15C इंजन पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिलता है। ये इंजन आपने पुराने टाइप पे जो मैंने जितनी भी मारुति सुजुकी की गाड़ियां बनाई है उसमें आपको देखने को मिलता है, मिला ही है, मैंने बोला ये बहुत बार, डुअल जेट डुअल वीवीटी K15C इंजन सुजुकी का आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है 48 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये माइल्ड हाइब्रिड है इसीलिए, और ये जो इंजन है ये पावर प्रोड्यूस करता है 101 हॉर्स पावर का, टॉर्क प्रोड्यूस करता है 136 न्यूटन मीटर्स का, और कंपनी क्लेम करता है इसमें जो आपको माइलेज देखने को मिलता है वो है 21 किलोमीटर पर लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन में, 20 किलोमीटर पर लीटर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और इसमें एक ऑल व्हील ड्राइव का भी मोड आता है, ऑल व्हील ड्राइव का वेरिएंट आता है, जहां पे ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको रहता है 4 व्हील ड्राइव का, तो वो गाड़ी जो माइलेज देता है वो है 19 किलोमीटर पर लीटर का, वो गाड़ी माइलेज दे देता है। अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूं इस गाड़ी का, तो इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और एक 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस यही सब था इंजन और गियर बॉक्स स्पेसिफिकेशन वगैरह मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बारे में। कंक्लूजन की बात करूं तो गाड़ी बढ़िया बनी है, डिजाइन वाइज सबको पसंद आ रहा है, गाड़ी बिक भी रही है, बहुत ही सही गाड़ी है, लेकिन जो है थोड़ा सा 20 लाख के ऊपर में अगर आपको पावरफुल गाड़ी चाहिए तो इस प्राइस रेंज में और भी दूसरी गाड़ियां हैं जो पावर इसे ज्यादा दे देती है, तो अगर आपको पावरफुल गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली आप किसी और गाड़ी को भी कंसिडर कर सकते हैं। इस पर मैं वीडियो लाऊंगा जो कि है अंडर 20 लाख रुपीज कौन सा गाड़ी सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, उसमें भी वीडियो लाऊंगा। तो गाइस आपको कैसा लगा ग्रैंड विटारा मेरे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए। इसी साथ मैं बताऊँ सकती वीडियो में, तो खुश रहे, सेफ ड्राइव करें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।